आईटी की तरफ से मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर आउट है रिलेटेड टू ड्राफ्टमैनशिप, असिस्टेंट एंड रिलेटेड टू हेल्पर। तो अगर इंटरेस्टेड है इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नोटिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज हम नोटिफिकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, बताने वाले हैं कैसे इन पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम डेफिनेटली वीडियोस लेकर आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। एंड यस, संडे को एवरी संडे 7 PM हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लेकर आते हैं आपके लिए, तो उसे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड एवरी सैटरडे डेडलाइंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है 7 PM की वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। बात करें इस पोजिशन के बारे में तो यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं NIELIT की तरफ से। देखिए जो ये पोजीशन है ये निकली है ड्राफ्टमैन के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, ट्रेडमैन के लिए एंड हेल्पर के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड रहेगी ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर, और ड्राफ्टमैनशिप के लिए यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पर 10th क्लास रिक्वायर्ड रहेगी। यस, 10th क्लास पास आउट है, ITI का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है मैकेनिकल में या पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल में, तो आप इन पोजीशंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बाकी पोजीशंस हैं लैब असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, यहाँ पर लैब असिस्टेंट की पोजीशन है उसके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर 10th क्लास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, 12th क्लास रिक्वायर्ड रहेगी। देखिए 12th क्लास यहाँ पर रिक्वायर्ड है साइंस में, यहाँ पर अगर आपने सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो यहाँ पर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन की जो पोजीशन है यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 10th क्लास तो ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। हेल्पर की जो पोजीशंस हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास रिक्वायर्ड है। तो ओवरऑल हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अगर आपने 10th क्लास पास आउट कर ली है ठीक है तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास कंप्लीट किए साइंस में तो आप इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस निकली हुई हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कीजिए इन पोजीशंस के लिए। नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं। देखिए टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज निकली हैं एंड टोटल 70 पोजीशंस यहाँ पर आउट की गई हैं। 70 पोजीशंस हैं ईस्टर्न रीजन में, ये वैकेंसीज रहेंगी। एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलेगी यहाँ पर आपकी कैटेगरी के वाइज। एंड कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 200 यहाँ फीस रहेगी जनरल कैटेगरीज के लिए, लेकिन अगर वीमेन कैंडिडेट हैं, PWD कैटेगरी से है, SC ST के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 अक्टूबर से पोर्टल ओपन हो चुका है, 31 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। कैसे जाना है वेबसाइट पर, लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए। तो चलिए कम्प्लीटली गो थ्रू करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर से। देखिए सिलेक्शन यहाँ होने वाला है रिटन एग्जाम के बिहाफ पर, रिटन एग्जाम यहाँ रहेगा। एंड रिटन एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड रहेगा, एक प्रॉपर सिलेबस रिक्वायर्ड रहेगा, स्ट्रीम बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, और जनरल एग्जाम रहेगा जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, ये सब चीज़ें कवर की जाएंगी। तो देखिए अगर आप इस जनरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या स्ट्रीम वाइज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट योरपीडिया। योरपीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूज के रिगार्डिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क के रिगार्डिंग यहाँ पर डेडिकेटेड मॉड्यूल्स चलते हैं, प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग। हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट का, वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप गो थ्रू करके हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको ये बताना कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आई नीड क्लासेस फॉर दैट, आई नीड इंटरव्यूज फॉर दैट, और उसकी रिगार्डिंग आप अपनी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर पीडिया फॉर इंटरव्यूज, GDs, GTs, फॉर द रिटन एग्जाम, फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब कवर किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लिंक चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में एंड गो थ्रू कीजिए वेबसाइट के साथ, नोटिफिकेशन के साथ। एंड यस, इसी के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए योरपीडिया को भी अगर आपको रिटन एग्जाम में प्रॉपर हेल्प की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा एग्जाम भी एंड जॉब भी मिलेगी उसकी रिगार्डिंग, तो अप्लाई कीजिए सबसे पहले एंड कॉन्टैक्ट कीजिए योरपीडिया को। थैंक यू सो मच।